तेरे दर्श को जी ललचाए, तेरे दर्श को जी ललचाए, देखूं तो झूमे गाए, हमें गुरु मिल गया है, हमें गुरु मिल गया है। ये मोहनी मूरत मन को लुभाए, मोहनी मूरत मन को लुभाए, हृदय का मन खिल जाए, हमें गुरु मिल गया है। बोलो, हमें गुरु मिल गया। अरे कारवान के जितने भी अगवान लोग हैं, अरे आप लोगों को तो जरूर गाना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ सिर्फ चरण थे, अब तो चारों गुरुदेव का मूरत भी आ चुका है, इसलिए बोलिए। तेरे दर्श को जी ललचाए, तेरे दर्श को जी ललचाए, देखूं तो झूमे गाए, हमें गुरु मिल गया है, हमें गुरु मिल गया है। दहली के राजा तेरी अर्थी उठी ना माणक चौक से, माणक चौक से। दादा गुरुदेव, दूसरे दादा गुरुदेव मणिधारी, आपको बताऊं, उन्होंने अपने अंतिम समय में एक बार ये कहा था कि मेरी अर्थी को शमशान जब ले जाओ तो बीच में मत रोकना। पूरा जैन समाज व्याकुल होकर रो रहा था, रोते रोते भक्तों को ध्यान नहीं रहा, उन्होंने अर्थी बीच में रख दी, और जहां रखी वो बीच बाजार माणक चौक, जिसको आज मेहरोली के नाम से, जहां पर कुतुब मीनार है उसको मेहरोली के नाम से जाने जाता है, उस माणक चौक बीच बाजार में रख दी। उसके बाद में किसी को याद आया, अरे ये अर्थी यहां कैसे रख दी, गुरुदेव की रथी को कैसे रख दी। तो जब गुरुदेव की रथी को रख तो दिया, उसके बाद में आप विश्वास नहीं मानेंगे, हजारों लोगों ने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से हिली नहीं है। हाथी बुलवाए, जंजीर बांधी, तो भी वो रथी हिली नहीं। फिर वहीं पर गुरुदेव का अग्नि संस्कार किया गया, जो आज मेहरोली में, जो वो साक्षात रूप में दरबार में। और मैं आपको बताऊं, आचार्य तुलसी को 3 दिन के लिए आए थे मेहरोली में, 15 दिन रुक के गए, साक्षात दर्शन दिए गुरुदेव ने, और ये उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है, वर्णन किया है उन्होंने, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आचार्य तुलसी जैसी शख्सियत को। तो मैं एक बात कहता हूं, सभी गाइएगा मेरे साथ, और मुझे भी जो इष्ट है वो मेरे मणिधारी का ही है, इसलिए कह रहा हूं। दहली के राजा तेरी अर्थी उठी ना माणक चौक से, माणक चौक से। शाही फरमान से भी हिल ना सकी हाथी के जोर से, हाथी के जोर से। तब क्या हुआ, राजा राणा शीश नमाए, राजा राणा शीश नमाए, वाही चरण पधराए, हमें गुरु मिल गया है। बोलिए, हमें गुरु मिल गया। इतना ही नहीं, जब गुरुदेव दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली में मदन पाल महाराजा जो वहां का महाराज था, उसने गुरुदेव को खूब विनय करके आमंत्रित किया चतुर्मास के लिए। जब गुरुदेव गए, वो उनका अंतिम चतुर्मास था, मात्र 26 साल की उम्र में गुरुदेव देवलोक हो गए, 9 साल की उम्र में आचार्य पद पा लिया। और आजकल हम बातें करते हैं कि छोटे बच्चों को दीक्षा दे दी, ये क्यों दी, वो क्यों दी, वो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। पूर्व जन्म के कोई भव होंगे, कोई अच्छे कर्म होंगे, जो दीक्षा दी जाती है, दीक्षा ली जाती है। तब जाके जब गुरुदेव दिल्ली आ रहे थे ना, तब डाकुओं ने पूरे संघ को घेर लिया तीर का मान लेके। तब क्या हुआ, सारा श्री संग घेरा डाकुओं ने आके राह में, तेरी राह में। तब गुरुदेव ने पूरे संघ को एक गोले में इकट्ठा कर लिया, और जो दंड होता है ना अपने साधु संतों के पास में, जो अरिहंत पद का जो डंडा होता है, उस दंड से चारों तरफ संघ के एक लकीर खींच दी और बोल दिया कि इस लकीर से बाहर मत जाना। तो वो डाकू आए, उनको वो संग दिखाई नहीं, ना गुरुदेव दिखे ना संग दिखा, और जिन शासन की ऐसे रक्षा की। अब इसको चमत्कार नहीं, इसको प्रभाव कहते हैं अपने जैन संतों का। इसलिए सारा श्री संग सा डाकुओं ने आके राह में, तेरी
वाहरे फकीर तूने खेची लकीर ऐसी राह में तब क्या हुआ देख देख डाकू घबराए देख देख डाकू घब आंख से ना दिख पाए हमें गुरु मिल गया है हमें गुरु मिल गया है बोलिए बोलिए तेरे दर्श को जी ललचाए दर्श को जी ललचाए देखूं तो झूमे गाए हमें गुरु मिल गया है हमें गुरु मिल गया है छह साल की उम्र में तूने तोड़ी ममता की जंजीर को छह साल की उम्र में दीक्षा ले ली उसके बाद दो ही बरस में पदवी आचार्य की मिली आपको दादा आपको क्यों मिली दादा गुरुदेव के मस्तक में मणि थी इसलिए इनको मणिधारी दादा गुरुदेव कहते हैं और आपको विश्वास दिलाऊं शीला दीक्षित मेरे सामने का उदाहरण बता रहा हूं आपको शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री बनी उसके पहले उन्होंने प्रण किया कि मैं चुनाव प्रचार की शुरुआत मेहरौली से करूंगी और जब भी जीतूंगी तो मेहरौली आऊंगी लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनी तीसरी बार बनी उसके बाद में जब वो दरबार में नहीं आई चौथी बार लड़ी और ऐसी बुरी तरीके से लड़ी कि कांग्रेस साफ हो गई ये कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट यदि हमने कमिटमेंट किया है कि हम तेरी पूजा कराएंगे मैं तेरी पूजा गाऊंगा तो कुछ भी हो जाएगा गाना है तब जाके बोलिए मेरे साथ सभी गाइएगा छह साल की उम्र में तूने तोड़ी ममता की जंजीर को दो ही बरस में पदवी आचार्य की मिली आपको दादा आपको क्यों मणि मस्तक में ज्ञान की चमके मणि मस्तक में ज्ञान की चमके मणिधारी कहलाए हमें गुरु मिल गया है वस्त्र इत्र गुरु पूजना चोबा चंदन चंपे दुश्मन सब सज्जन हुए करे सुरंगा खे लक्ष्मी लीला पावेर सुंदर लक्ष्मी लीला पावेर सुंदर जय गुरु वस्त्र चढ़ावे ओ लक्ष्मी लीला पावे जो गुरु वस्त्र चढ़ावे सुयश अतर महकावेर सुंदर सुयश अतर महकावेर सुंदर दुश्मन शीश नमावे ओ दुश्मन शीश नमावे ओ दुश्मन शीश नमावे दरिया बीच जहाज श्रावक की डूबन खतरे आवे दादा खतरे आवे साचे मन सुम रे सतगुरु को दुख की तेर सुनावे दुख की तेर सुनावे वाचंताव्या ज्ञान सुरीश्वर पंक्ति रूपे तावे पंक्ति रूपे तावे जाए समुद्र में जहाज तिरायो फिर पीछा जब आवे फिर पीछा जब आवे और उसके बाद क्या हुआ पूछे संग अच रज में भरिया गुरु सब बात सुनावे गुरु सब बात सुनावे ऐसे दादा दत्त कुशल गुरु परचा प्रकट दिखावे परचा प्रकट दिखावे ऐसे दादा प्रत कुशल गुरु ऐसे दादा प्रत कुशल गुरु परचा प्रगट दिखावे ओ परचा प्रगट दिखावे ओ परचा प्रगट दिखावे ताली बजा के ऐसा
वो तेरा गुजरी मल श्रावक दो दादा कुशल तिरावे दादा कुशल तिरावे सुख सुरी गुरु समय सुंदर का जहाज अलोप दिखावे जहाज अलोप दिखावे बारह सोई प्यारे दत्त सूरी अजमेर अनसन ठावे अजमेर अनसन ठावे उपजा सोदर माते विलोके सी मंदर फरमावे सी मंदर फरमावे क्या फरमावे महाविदेश क्षेत्र से एक अवतारी कारज सारी मुक्ति नगर में जावे मुक्ति नगर में जावे कौन ऐसे दादा दत्त सुरीश्वर तारण तरण कहावे तारण तरण कहावे तारण तरण कहावे ये दादा तारण तरण कहावे ये दादा लक्ष्मी लीला पावे ओ लक्ष्मी लीला पावे ओ लक्ष्मी लीला पावे मणिधारी संकट सपने नावे संकट सपने नावे रति उठी नहीं देख बादशाह वही चरण पधरावे वही चरण पधरावे कुशल सुरी दे रा और नगरे भुवन पति सुर थावे भुवन पति सुर थावे फागुण पतियो मावस सीता पूनम दर्श दिखावे पूनम दर्श दिखावे ऐसे दादा को जल चंदन फल फूल मनोहर आठो द्रव्य चढ़ावे आठो द्रव्य चढ़ावे वस्त्र इतर पूजा सतगुरु की रीति सार मन भावे रीति सार मन भावे लक्ष्मी लीला लक्ष्मी लीला पावे सुंदर जो गुरु वस्त्र चढ़ावे जो गुरु वस्त्र चढ़ावे जो गुरु वस्त्र चढ़ावे